मेरे वालों यानी सुखाराम सरोया वालों सारियां नूं जय बाबा जी दी। सो पेश है मेरे ग्रुप के कलाकारां वालों ये लाइव धार्मिक प्रोग्राम जीवन लीला बाबा बालकनाथ। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बड़े दिनों तो इस प्राणी नू इना जंगलों विच पटक दे देख रही हूँ। पता नहीं कौन है, कितनों आया है, ते किस चीज़ की भाल करता पिया है। आज मैं इसनू पूछ के देख ही लैनी हूँ। भगता कौन है तू, किधरों आया है, ते किस चीज़ की भाल करता पिया है। हे देवी, मैं भोलेनाथ का भगत हाँ। बड़ी भगती की थी है, पर अजे तक मैं भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। इसलिए भोलेनाथ के दर्शन करने वास्ते कैलाश पर्वत से जा रहा, पर कैलाश पर्वत जाण दा कोई रास्ता नजर नहीं आता। भगता की तू जानता है कैलाश पर्वत से जाना इन्ना सौखा नहीं। कैलाश पर्वत तो कोई चिड़ी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर तू किवें जावेगा। मैनू पता है कि कैलाश पर्वत जाना बड़ा औखा है, पर मैं प्रण किया होया कि मैं इस जन्म विच भोलेनाथ दे दर्शन करांगा, चाहे मेरी जान क्यों चली जाए। ना भगता ना, इंज ना आख, तेनू जान देने की कोई लोड़ नहीं। जे तू भोलेनाथ का भगत है तो मैं भी भोलेनाथ की भगतनी हाँ। जे अज तक तेनू भोलेनाथ के दर्शन नहीं होए तो दर्शन तो अज तक मैनू भी नहीं होए। भगता तू इंज कर, इन्हों जंगलों विच भटकद्या भटकद्या थक गया होवेगा। मेरे नाल मेरे घर चल, कुछ घड़िया आराम कर ले, ते उस तो बाद तेनू कैलाश पर्वत ते जान दा राह मैं आपे दस देना है। की आख्या, तुसी कैलाश पर्वत ते जान दा रास्ता जानते हो? हाँ भगता। ते पर दसो ना, मैं कैलाश पर्वत ते किवें जा सकदा वा? भगता चल मेरे नाल। चल नाल तू करनू मेरे वे दुख दर्द सुनागी तेरे, चल नाल तू करनू मेरे वे दुख दर्द सुनागी तेरे, तेन पर्वत उत्ते जान दा राह समझावांगी, तेन शिव शंकर दे दर्शन मैं करवावांगी, तेन शिव शंकर दे दर्शन मैं करवावांगी। पर्वत ते जाना औखा मां मैनू दस तेरा कोई सौखा, पर्वत ते जाना औखा मां मैनू दस तेरा कोई सौखा, ओए दर्शन नू तो नैन मेरे तरसन मां, मैनू कदों होणगे शिव शंकर दे दर्शन मां, मैनू किवें होणगे शिव शंकर दे दर्शन मां। मसियां दी काली रात नू गोरा आउंदी ए, जित मान सरोवर झील ते आण नहाउंदी ए, जिथे करदी ओ इशनान मैं जगा दिखावांगी, तैनू शिव शंकर दे दर्शन मैं करवा, शिव शंकर दे दर्शन मैं करवावांगी। की आख्या, मस्या दी रात नू माता पार्वती झील मान सरोवर ते इशनान कर लियांदे ने। हाँ, उठ तड़क सार मैं झील किनारे जावांगा, अखियां शम शम बरसन मां, मैनू कदों होणगे शिव शंकर दे दर्शन मां, दस किवें होणगे शिव शंकर दे दर्शन मां। तैनू हो गए जे मैनू भी दर्श करा देवी, राहों दे अखियां गल ना किते भुला देवी, लड़ लग के अपना जीवन सफल बनावांगी, तेनु शिव शंकर दे दर्शन मैं करवावांगी, तेनु शिव शंकर दे दर्शन मैं करवावांगी। तुसी मेरी बड़ी सेवा कीती है मां, ते मैनू कैलाश पर्वत ते जान दा रस्ता दस्या है। तुहाडे रस्ते ते चल के जेकर सचमुच मैनू भोलेनाथ दे दर्शन हो गए, मैं तुहानू भी भोलेनाथ दे दर्शन जरूर करवावांगा।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ 12 ਘੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਕਰਾਉਂ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਣ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂ। मानसरोवर झील में स्नान करने से कितना सुकून मिलता है। अब मैं कैलाश पर्वत की ओर ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हैं? कौन है इस मानसरोवर झील में? लगता है मुझे किसी ने स्नान करते हुए देख लिया है। अरे कौन हो तुम, जल्दी से मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें भस्म कर दूंगी। प्रणाम माँ। अरे कौन हो तुम? माँ मैं भोलेनाथ का भक्त हाँ, बड़ी भक्ति की थी पर अजे तक मैंने भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए, इसलिए दर्शन करने वास्ते कैलाश पर्वत पर जा रहा हाँ, तुम मेनु भोलेनाथ के दर्शन करवा सकते हो माँ? प्रणाम माँ। रुक जाओ, हे वृद्ध प्राणी, तुम इस रूप में मेरे चरण स्पर्श नहीं कर सकते। आपकी भोलेनाथ के दर्शन करने की ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। क्यों माँ? जब तक आप मेरे चरण स्पर्श नहीं करते, आप भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सकते। ये आपके मन की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी। की आख्या? तुम्हारे चरण स्पर्श करके मैं कैलाश पर्वत जा सकता हूँ, तुसी मेरे इस वृद्ध रूप नु अपने चरण स्पर्श नहीं करने दोगे? ठीक है माँ, मैं भी प्रण किया होया है, ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਰੇ ਇਹ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਉਨਕੇ ਵਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਸਲੂਕ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਮੁਝੇ ਕਭੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗੀ? ਅਰੇ ਠਹਿਰੋ, ਰੁਕੋ ਵਿਰਧ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰੁਕ ਜਾਓ, आपको जान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे इस वृद्ध रूप को बाल रूप में बदल देती हूँ, उसके बाद भोलेनाथ के दर्शन भी कर सकते हो। की आख्या माँ, एक किमी हो सकता है तुसी मेरे इस वृद्ध रूप नू एक बालता रूप दोगे? हाँ, एक किमी हो सकता है माँ? आप बस अंतर ध्यान हो जाए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हे वृद्ध प्राणी, जरा गौर से देखो, तुम्हारा वृद्ध रूप बाल रूप में परिवर्तित हो चुका है और अपना बाल रूप लेकर मेरी आंखों के सामने आओ। ए मैं की देख रहा माँ, तुसी ता मेरे वृद्ध रूप नो बाल रूप दे दिता है। ये मैंने तुम्हारा वृद्ध रूप बाल रूप में बदल दिया है, अब तुम मेरे चरण स्पर्श करके कैलाश पर्वत की ओर स्नान करो। चलो सूरत प्यारी नू, सूरत प्यारी नू, अंबरा चो फुल वरसन देख के सूरत प्यारी नू, दे दिता गौरा ने बाल रूप ब्रह्मचारी नू, दे दिता गौरा ने बाल रूप ब्रह्मचारी नू।
पार्वती, ये किस प्राणी को तुम कैलाश पर्वत पर लेकर आई हो? स्वामी, आप सब जानते हैं, आप खुद ही जान लीजिए ये कौन प्राणी है। ब्रह्मचारी, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। आपने जन्मों जन्मों से हमारे नाम की भक्ति की है और उसी भक्ति से खुश होकर आज हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। जय भोलेनाथ। पार्वती द्वारा दिया हुआ ये बाल रूप कल युग में बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। पवन रूप होने के कारण आपका नाम पौनाहारी के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। आज हम आपकी इच्छा के अनुसार आपको वरदान देना चाहते हैं। मांगो बच्चा, और क्या वरदान चाहते हो? हे भोलेनाथ, मैनू एक होर वचन दे, जिस मां दे आसरे मैनू तुहाडे दर्शन होए ने, उस मां नू भी दर्शन दे। तथा अस्तु, मैं उस धर्मों को भी रत्न होने का वरदान दूंगा। जय भोलेनाथ। ब्रह्मचारी संग शिव भोले फिर मात लोक विच आए सी, लगन देख त्रिलोकी ने धर्मों नू दर्श दिखाए सी। सुननी धर्मों भगत मेरा है, तेरा कर्ज चुकावेगा, 12 घड़ियां बदल तेरे घर 12 साल गुजारे। जान रहू रत्नोदार तुबा दुनिया सारी नू, दे दिता गौरा ने बाल रूप ब्रह्मचारी नू, दे दिता गौरा ने बाल रूप। भक्ता, कि तू ओही विरद प्राणी है जिसनू मैं कैलाश पर्वत ते जान दा राह दस्या सी? हाँ माँ, मैं ओही विरद प्राणी हाँ। यही रूप लेके अगले जन्म विच मैं तेरा पुत्र बन के आवांगा। अच्छा, जे ए गल है तो मैं उस घड़ी दा बड़ी बेसब्री नाल इंतजार करांगी, जदो तुसी बालकनाथ बन के मेरे घर आवोगी। चंगा माँ, मैं हुण चलदा हाँ। चल चंगा, फिर मैं चलदी हाँ। संग जशीले कहंदा है सीस न भाउ दुनिया जग दे पर उपकारी नू, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माते। चरणजीव रहो नारद मुनि जी। कहिए नारद जी, कहां कहां की सैर करके आए हो? माता जी, मात लोक की सैर करने के बाद तुम्हारे दर्शन को चला आया। नारायण नारायण नारायण। माता जी, अगर बुरा ना माने तो मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कहिए नारद जी, कौन सी बात कहना चाहते हो? माता जी, शिव भोले के जहन में एक अमर कथा है, क्या आपने उस अमर कथा के बारे में कभी सुना है? क्या कहा, अमर कथा? नहीं नारद जी, मैंने ऐसी कोई अमर कथा के बारे में नहीं सुना है। माता जी, अगर आप अमर कथा सुन लोगे तो सचमुच आप अमर हो जाओगे। नारायण नारायण नारायण। क्या कहा, कैसी अमर कथा है जिसे सुनकर अमर हो जाते हैं? आज मैं भोलेनाथ जी से ये अमर कथा सुनकर ही रहूंगी। स्वामी प्रणाम। चरण जीव रहो देवी, क्या हम जान सकते हैं आप आज इतनी उदास क्यों हैं? स्वामी, नारद जी ने मुझे आज एक
अमर कथा के बारे में बताया है। आपने तो कभी मुझे इस अमर कथा के बारे में नहीं बताया है। मैं उस अमर कथा को सुनना चाहती हूँ। तो ये बात है। हाँ देवी पार्वती, हमारे जहन में एक ऐसी अमर कथा है जिस अमर कथा को सुनकर कोई भी प्राणी सदा सदा के लिए अमर हो सकता है। लेकिन वो अमर कथा आपकी किस्मत में नहीं है। क्यों भोलेनाथ, हमारी किस्मत में क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं पार्वती, मैं आपको वो अमर कथा नहीं सुना सकता। नहीं भोलेनाथ, आज मैं वो अमर कथा सुनकर ही रहूंगी। अमर कथा सुनने दा जद सी हठ गौराने कीता, होर नहीं हुन जांदा स्वामी सबर प्याला पीता। देख हठ गौरा दा शिवनू होई बड़ी हैरानी, लगदा नारद ने आके कीती शैतानी। बहुता ही मजबूर करन ते आखिर कथा सुनाई, दबे हुंगारा तोता नींदर पार्वती नू आई। अमर नाम अमर है बेड़ा, अमर स्वास स्वास तन मेरा, अमर काट कड़ी करतार, अमर विष्णु अवतार अवतार, अमर काश मधानी बच्चे, अमर नंग भुख ना छड़े। जो नर अमर का सिमरन करे उसका कार्य कदे ना अड़े। दवे हुंगारा तोता नींदर पार्वती नू आई। पार्वती पार्वती, ये क्या? पार्वती तो सो रही है, अमर कथा कौन सुन रहा है? ओ शुक पंछी, इस प्राणी ने छल से मेरी अमर कथा सुनी है। मैं इसे अमर नहीं होने दूंगा, मैं इस प्राणी के प्राण हत्या लूंगा। मैं इसे अमर नहीं होने दूंगा। मार ली पंछी नू शिव ने, हथ त्रिशूल उठाया, अख बचा के उठ गया पंछी, नजर कि देना आया। पीछा कर दे पंछी दा शिव, व्यास दे घर विच आए, आके विच क्रोध शिवा ने मुख चो बचन सुनाए। हे व्यास मुनि, ये देखो इस प्राणी ने धोखे से मेरी अमर कथा सुनकर अपना शरीर त्याग दिया है, और इसकी आत्मा तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर चुकी है। जब तक ये प्राणी जन्म नहीं ले लेता, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। मैं इसे अमर नहीं होने दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं इसे। प्रणाम भोलेनाथ, शांत हो जाइए। अरे सचमुच आप बहुत भोले हो। जिस प्राणी ने आपकी अमर कथा ही सुन ली है, भला आप उसको कैसे मार सकते हो? ओ ये तो मैं भूल ही गया था। हे प्राणी, मांगो अपने जन्म के समय और क्या वरदान मांगते हो? बोलिया बच्चा मां दी कुख चो पाई नमी कहानी, जन्म लैन मेरे जन्म समय जो अमर हो जान प्राणी। तथास्तु, तूने शुक पंछी के रूप में मेरी अमर कथा सुनी है, और अब तू सुखमनी के रूप में दुनिया में जन्म लेगा, और तेरे जन्म के समय जन्म लेने वाले सभी प्राणी अमर हो जाएंगे। अमर होण दा जदों सुखमनी वर शंकर तो पाया, उस दे जन्म समय ही बालक लक्ष्मी दे घर जाया। हे भोलेनाथ,
कदों होवेगी तेरी कृपा ते कदों आवेगी खुशी की घड़ी जिस घड़ी का मैनू बड़ी बेसबरी नाल इंतजार है। पंडित जी बधाई हो बधाई। हाँ देवी की खबर है? तुहाडे घर उत्तर ने जन्म लिया है। तेरे मुंह विच क्यों शक्कर देवी, चंगी खबर सुनाइए। पर मेरा पुत्र देखने विच कैसा लगता है? पंडित जी मैं इन हाथों नाल कई बच्चे नु जन्म दवाए ने, ते जेड़ा ताडा पुत्र है ओदे चेहरे ते रब्बी नूर झलकदा पिया है। की आख्या, मेरा पुत्र कोई रब दा रूप लगता है? हाँ जी हाँ जी। तो फिर की मैं अपने पुत्र नु देख सकता हूँ? क्यों नहीं पंडित जी, चलो। देख लोरियां जिन्हां नु मापे पाल दे, अखियां दे तारे हुंदे ने, जेड़े नाम रुशनों दे माई बाप दा, ओ पुत बड़े प्यारे हुंदे ने, जेड़े नाम रुशनों दे माई बाप दा, ओ पुत बड़े प्यारे हुंदे ने। संगणियां छावां वाले हुंदे ने ए रुखे वी, भागां वाले माणदे ने पुत्तरां दा सुख वी, भागां वाले माणदे ने पुत्तरां दा सुख वी, लगन दिंदे ना ए तत्तियां हवावां नूं, ऐ ठंडड़े हुलारे हुंदे ने, जेड़े नाम रुशनों दे माई बाप दा, ओ पुत्त बड़े प्यारे हुंदे ने। बदली दिंदे ने पुत्त समें दे हालातां नूं, ताइयों जग लोचदा ऐ पुत्तां दियां दातां नूं, ओ ताइयों जग लोचदा ऐ पुत्तां दियां दातां नूं, जदों आउंदा ए बुढ़ापा माई बाप दे, अंत नूं सहारे हुंदे ने, जेड़े नाम रुशन आउंदे माई बाप दा, ओ पुत्त बड़े प्यारे हुंदे ने। लक्ष्मी लक्ष्मी की गल है स्वामी? मैं सारा घर दा राशन पानी ले आया हां, आ ले इनू संभाल के रख दे, ते मैं इशनान करावा ते मंदिर जायावा। ठीक है स्वामी। पुत्र बालक तू सारा सारा दिन शिव कोले दी भगती विच लील रहना है, कदे समय सिर रोटी ते खा लिया कर, ले फड़ मैं तेरे वास्ते रोटी लेके आई हां, रोटी खा ले। पुत्र बालक घड़े विच तां रता भी पानी नहीं है, मैं इंज करती हां तेरे वास्ते पानी लेके आनी है, ते नाले गल सुन मेरी, तेरे पिता जी पूरे महीने बाद खाने दी समग्री लेके आए ने, ते नाले इनू चक के अंदर रख दे, ते समय सिर रोटी खा लेनी, मैं तेरे वास्ते पानी लेके आऊं। कोई इस घर विच धनी जिहड़ा इस गरीब दी मदद कर सके, बड़े दिनों तो बड़ी भुख लगी है, भुख नाल बिलक रहा हां। की घर विच को खाण दी समग्री है? क्या बाबा जी भुख लगी है? हां लो आ खाना, भला होवे अपने खाण वाला खाना मेनू दे दिता, ये खाना तो मैं खा लवांगा, पर मेरे घर विच बच्चे भी ने, भुख नाल बिलक रहे, की घर विच खाण दी समग्री है? हां बाबा आज ही मेरे पिताजी घर वास्ते समग्री लेके आए, आ समग्री तुसी ले जाओ। भला होवे पुत्र, भला होवे, भला होवे। प्रणाम माता। पुत्र बालक तेरे पिताजी खाने दी समग्री लेके आए सी, ना ही मैनू कोई बर्तन नजर आंदा है,
ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ? ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ? ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ? ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਦੇਖੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਪਿਓਤੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਯਾਰੀ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਰਹਿਣ ਮਹਿਕ ਦੇ ਸਰੋਆ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਰਹਿਣ ਮਹਿਕ ਦੇ ਸਰੋਆ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਮਨੀ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਮਕਦੇ ਸਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੁਸ਼ਨੋ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇ ਕਲੋਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਪਾਲਦੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੁਸ਼ਨੋ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਹੇ ਬਾਲਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੱਤਾਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸੇ ਦੂਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਲਕਸ਼ਮੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਵਾਮੀ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਮੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਮੀ, ਸਵਾਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਲੱਗਦਾ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰ ਕਿਲੇ ਜੇ ਤੀਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀਆ ਲਾਡ ਲਿਆ ਵੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀਆ ਲਾਡ ਲਿਆ ਵੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀਆ ਲਾਡ ਲਿਆ ਵੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀਆ ਲਾਡ ਲਿਆ ਵੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ
सच दे राह पाउंदा है। बहुत चंगा जवाब दिता है पुत्र, तू ते आखदा सी मैं कोई गल दा जवाब नहीं दे सकदा, बहुत चंगा जवाब दिता है बेटा। आओ आओ, अज असी तेनू तेरे गलवे सिंगी पाके बालक देव तो बालक नाथ बना देना है। बैठ बेटा बैठ जाओ। ला सुटे सब रेशम पाले तन ते भस्म रमाई, हाथ विच चिमटा तेरे लगोती बगल च झोली पाई। देख के उसदी कठिन तपस्या, देख के उसदी कठिन तपस्या, पत्थरा चो बग नीर गया। माई किथे चली आ? असी लंगर खान चले आ। अगे ना जाई, अगे बड़ा भयानक जंगल है। उस जंगल दे विच एक राक्षस रहंदा है, वो तैनू ते तेरे बच्चे नू खा जाएगा। असी ता लंगर खा के आवांगे। चंगा जा, तेरी मर्जी। माई माई तैनू की होया? मेरे बच्चे राक्षस चक के ले गया। है राक्षस? वो थोड़ी भैन राक्षस है। साड़ी सुन लो दुहाई, देखो रोंदी पई है माई। साड़ी सुन लो दुहाई, देखो रोंदी पई है माई। एदी सुन के कहानी होल पै गया, एदी सुन के कहानी होल पै गया। हो बच्चा चुप के माई दा कोई लै गया, आ कोई नमा हिस्से आपा गल पै गया। बच्चा चुप के माई दा कोई लै गया, हाथ विच कथा माई भुख दी सताई सी। ना लैके बच्चे नू भंडारा खाने आई सी, ना लैके बच्चे नू भंडारा खाने आई सी। दसो पले की गरीबनी दे रह गया, दसो पले की गरीबनी दे रह गया। बच्चा चुक के माई दा कोई लै गया, आ कोई नवा हिस्से आपा गल पै गया। मर गए लोको है उचल मरा कुछ डरा ओदा कद सी, दिले ओदे बार नू ते ओ मुंह दे विच अग सी, दिले ओदे बार नू ते मुंह दे विच अग सी। ओनू देख के माई नू गज पै गया, ओनू देख के माई नू गज पै गया। आ कोई नवा हिस्से आपा गल पै गया, बच्चा चुक के माई दा कोई लै गया। गुरु जी बचा मर गए वे, हाय गुरु जी गुरु जी गुरु जी, माई नू ना जवाब होया, इहदे हुण कोई बच्चा नहीं होना। गुरु जी कड्डो कोई हल, जां तां सानू दिओ आग्या। असी भिड़ के देखदे राक्षस ना बच्चा लै के ही मुड़ांगे, खाली हाथ नहीं मुड़दे। बच्चे नू भी खोलिया ते माई नू भी घेरिया, मारिया कसुन नाल गोडाया ने फेरिया, मारिया कसुन नाल गोडाया ने फेरिया। आ देख मूह दे ते नील किड्डा पै गया, आ देख मूह दे ते नील किड्डा पै गया। आ बच्चा चुके माई दा कोई लै गया, आ कोई नमाही थे आपा गल पै गया। लब दिया बच्चा नहीं ते पाप लग जाऊगा, सानू इस माई दा शराप लग जाऊगा, सानू इस माई दा शराप लग जाऊगा। ओ केड़ा साडियां जड़ां दे विच बह गया, केड़ा साडियां जड़ां दे विच बह गया। आए बच्चा चुक के माई दा कोई लै गया, आ कोई नवा हिस्से आपा गल पै गया। ओनू देख के माई नू गज पै गया, आ तां नवा हिस्से आपा गल पै गया। बच्चा चुक के माई दा कोई लै गया। देवी मैनू पता लग गया है, इस जंगल दे विच राक्षस रहिंदा है। कदे उह शेर बन जांदा है, कदे राक्षस बन जांदा है। जे उस राक्षस ने तेरा बच्चा चुक लिया है कोई गल नहीं, तुसी आश्रम च बैठो
ते मैं सारे सेवकां नूं भेज के तेरा बच्चा हुणे मंगावांगा। जाओ बच्चा, चले जाओ जंगल वल, इस समाई दा बच्चा लेके आना, ये भले दा काम है बच्चा। जाओ जाओ, चले जाओ। ओ डरना नहीं, किसी ने मेरे नाल ना रहना, मैं कलाई पवां यार कड़ी गल। मैं भी ना, मैं भी ना। ना करिए चाचा, उदे डर लगता। थी ओ, मेरी एक गल सुन ला, एको भरावा तू लड़ना ही होए, तू लड़ना मेरे ना। हाँ। खड़ जा भरावा, सह लैन दे, सह अगे चढ़िया तुर तुर के आए, पहले ही बड़ा सफर किया, खड़ जा। हाँ दस, तू लड़ना ही होए। हाँ लड़ना ही है। जे तू लड़ना, मेरी भी एक शर्त होए। की शर्त? जब मैं कहना लड़ाई बंद, तां लड़ाई बंद होए, जब मैं कहना लड़ाई शुरू, तो लड़ाई शुरू। मंजूर ठीक है, चल आ जा। आजा भाई, आजा बंदा ऐदा नी, बंदा चेक करके बटना किते साला कीड़ा ही ना होवे। दोबारा चेक करके देख ली, हथियार ना नहीं मरू तेन क्यों ले लिया स्वाद। कुछ नहीं दींदा, अंदर नेरा ही नेरा, जंगल ही जंगल। हुण नहीं छड़दा, ओही मर गई नाल दी, मरया तां अद्दा सी फिर। ओही मर जाने इत्थे ना हथला। आ जा गल दा बंदे, अहंकार केड़ी गल दा, मिट्टी दे खडौणिया मसान घड़ी पल दा। गल दा बंदे, अहंकार केड़ी गल दा, मिट्टी दे खडौणिया मसान घड़ी पल दा। तेरी हुस्न जवानी जिदा मुल ना दवानी, धोखा इस ते गुरूर विच खावेगा, ओए तू खावेगा। बुरिया कमां दे विच वक्त लंगाया, अंत बंदिया बुरा ही फल पावेगा। तेनू आ गया बुलावा जदों तुर तुर गाहो, आ गया बुलावा जदों तुर तुर गाहो। करके बड़ा ही तेनू रोए, बेजोगी तेरे जान मग।
स्वामी की होया? स्वामी लक्ष्मी लगता पैर च कंडा चुभ गया है। की आख्या है? पैर विच कंडा चुभ गया है। लियाओ मैं कंडा कट दिनी हां। स्वामी लक्ष्मी पैर च लग्या कंडा ते कट देवेगी, पर जो कंडे साडी तकदीर च लगे ने उन्हां नूं कौन कटेगा? लक्ष्मी लगता है साडा पुत्र सानू कदे नहीं मिलना। लक्ष्मी नहीं नहीं स्वामी, कदे नहीं मिलना। स्वामी इंज ना आखो। स्वामी मेरा दिल कहंदा है मेरा बालक एक ना एक दिन घर वापस जरूर आवेगा। स्वामी अपने दिल नु झूठी तसल्ली ना दे। लक्ष्मी साडा पुत्र सानू कदे नहीं मिलना, कदे नहीं मिलना। मां पिता जी, स्वामी देखिए ऐ मेरे बालक की आवाज है। स्वामी लक्ष्मी ऐ मेरे पुत्र की आवाज है। किसी भी बच्चे की आवाज सुनती है अपने पुत्र का भुलेखा खा जाती है। पता नहीं है कौन है, किस नु बुला रहा है, कौन है तू? असि तुम्हें अखा तो अन्ने हां, सानू सानू कुछ भी दिखाई नहीं देता। मां पिता जी मैं तुहाडा पुत्र बालक देव तो बालक नाथ बन गया हां। लक्ष्मी तू सुनिया कुछ? हाँ हाँ स्वामी। साडा पुत्र आखदा है बालक देव तो बालक नाथ बन गया। तू कित्थे है पुत्र, तू कित्थे है? सानू कुछ भी दिखाई नहीं देंदा। मैनू पता है पिता जी तुसी अखां तो अन्ने हो चुके हो, मैं तुहाडी अखां दी रोशनी प्रदान करदा हां। ए किवें हो सकदा पुत्र? जदों परमात्मा अखां दी रोशनी खोल लैंदा फिर कदों मिलदी है? हो सकदा है पिता जी तुसी अंतर ध्यान हो जाओ, मैं तुहाडीआं अखां हुणे सुरजीत करदा हां। जय भोलेनाथ। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। लक्ष्मी लक्ष्मी मैं देख सकता हूं। लक्ष्मी मैं देख सकता हूं। हां हां स्वामी मैं भी देख सकती हूं। स्वामी लक्ष्मी साडा पुत्र आ गया। लक्ष्मी साडा पुत्र आ गया। एक यो जे करिश्मा है, इसने साडीआं अखां ठीक करतीआं। साडे घर ते किसे रब दे रूप ने जन्म लिया है। ऐते कोई रब दा रूप है? हां हे मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता, इस मोह माया दे चक्कर विच्चों बाहर निकलो। भक्ति करन नाल ही मुक्ति दा मार्ग मिलेगा। लक्ष्मी साडा पुत्र छोटी जी उम्र च कितनी बड़ियां बड़ियां गल्लां करदा है। आखदा है कि भक्ति करन नाल ही सानू मुक्ति दा मार्ग मिलेगा। साडी कितनी वड्डी भुल सी लक्ष्मी कि असीं इस नूं भी इस मोह माया दे चक्कर च पाउणा चाहिया। इस दा जन्म ते दुनिया दा भला करन वास्ते होया। पता नहीं साडे वर्गे किन्ने कु दुखी लोग ने इस दुनिया विच। पुत्तर जिस तरह तू साडा भला कीता ना, जा जा जाके दुनिया दा भला कर। इस दुनिया नू तेरी बड़ी जरूरत है पुत्तर, तेरी बड़ी जरूरत है। जा पुत्तर जा जाके भला कर, जा साडा आशीर्वाद तेरे नाल है। जा हां लक्ष्मी असि भी अपने पुत्र वांगू भक्ति करांगे। भला होवे मां, खैर पाओ। जाग उठी सी मां दी ममता, कौन है देख के सूरत प्यारी, मारतनों दे घर विच आया कलयुग दा अवतारी। सोचा दे विच पै गई मारत नूं,
नच पी रौनक वेड़े अखियां विचों भर भर माने खुशी दे अथरू केरे अखियां विचों भर भर माने खुशी दे अथरू केरे की सोच रही है मां खैर पाओ मैं ए सोच रही थी पुत्र के जे मेरे घर विच भी तेरे जेहा कोई पुत्र हुंदा तक किन्ना चंगा हुंदा की आख्या मां तुसी घर विच कल्ले रहंदे हो हां हां पुत्र मैं इस घर विच कल्ली ही रहनी है मां की ये सारियां गाइयां तेरियां ने हां पुत्र ये सारियां गाइयां मेरियां ही ने जी ए गल है मां आज तो बाद तेरियां सारियां गाइयां नू मैं चारा करांगा की आख्या कि तू मेरियां गाइयां चरा के लेके आया करेगा हां मां ता ठीक है पुत्र जे ए गल है ता आज तो बाद ता मैं भी तेरे वास्ते जंगल दे विच लस्सी ते रोटी लेके आया करांगी ठीक है मां मैं तैनु ए सारियां गल्लां सच करके दसांगा मैं हुन चलदा हां चंगा पुत्र साग सरों दा ते मक्की दियां रोटियां साग सरों दा ते मक्की दियां रोटियां मैं तेरे लिए ले आई हुईयां वे रोटी खा ले आके गौआं दियां पालियां मैं रोटी लेके आई हुईयां रोटी खा ले आके गौआं दियां पालियां मैं रोटी लेके आई क्यों नी बुलियां तू खोलदा मेरे हां बुलाया वे तू दस क्यों नी बोलदा रोटी मैं खवावा क्यों नी बुलियां तू खोलदा वे तेरी बुलियां दी मिठी मुस्कान ली मैं नैनों तेरी आई हुईयां धूनियां तू पाइयां उत्तों सिखरां दी धुप वे मां दे कोलों देखिया नी जांदा तेरा दुख वे धूनियां तू पाइयां उत्तों सिखरां दी धुप वे मां दे कोलों देखिया नी जांदा तेरा दुख वे बूहे नैणा वाले देखी जरा खोल के क्यों दिल चो भुलाई हुईयां वे रोटी खा ले आके गौआं दियां पालियां मैं रोटी लेके आई हुईयां हार के उखारे के गुआ नू लियाओ दा की में चार के रोटी ना तू खा में बे में बैगी थक हार के उखारे के गुआ नू लियाओ दा की में चार के ए यो फिकरा से रोए मन खा लिया मैं बड़ी घबराई हुईयां के रोटी खा ले आके गुआ दिया पालिया मैं रोटी लेके आई हुईयां साग सरों दा ते मक्की दियां रोटियां मैं तेरे लिए ले आई हुईयां वे रोटी खा ले आके गौआं दियां पालियां मैं रोटी लेके आई हुईयां पुत्र बालक सवेर दा भुखम पाणा इन्हां जंगलां विच भटकदा पिया है ते मैं तेरे वास्ते बड़ी रीझ दे नाल मक्की दी रोटी ते सरों दा साग बना के लियाई सी ते तू आखदा है कि मैनू भुख नहीं की गल है पुत्र भुख क्यों नहीं मां मेरा फिकर ना कर मैनू हले भुख नहीं जदों मैनू भुख लगेगी मैं रोटी खा लवांगा तू रोटी होर थले रख जाया कर ता ठीक है पुत्र जे तेनू हले भुख नहीं तब बाद विच खा लवी पर खा जरूर लवी ते नाले तेनू मैं एक गल होर कहनी सी इस बार जिमीदारा ने अपनी फसलां ते बहुत मेहनत कीती है नाले देखी अपनी गाइयां जिमीदारा दियां फसलां दे विच वड़ के कोई नुकसान ना कर देन मेरी गल दा ध्यान रखी एवें पिंड वालियां तो मैनू कोई लांबा ना दवाई तुसी कोई फिक्र ना करो मां ठीक है पुत्र
ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੁਦ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਜਦ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਰੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਖਾ ਲੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਬਾੜਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਚ। ਓ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫੜੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗਾਂ ਫੜਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨੀ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸੁੰਗ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਿੰਘ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਖੁੜੀਆਂ ਪੇੜਾ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪੇੜਾ ਪਾੜੇ ਗਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਪੇੜਾ ਫੜਾ, ਪੇੜਾ ਪੇੜਾ ਫੜਾ ਦੇ। ਲੱਲਾ ਪੇੜਾ ਹਾਨੀ, ਲੱਲਾ ਪੇੜਾ, ਲੱਲਾ ਪੇੜਾ ਹਾਨੀ, ਲੱਲਾ ਪੇੜਾ, ਲੱਲਾ ਪੇੜਾ ਹਾਨੀ, ਲੱਲਾ ਪੇੜਾ, ਲੱਲਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਡ ਬਣੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ, ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੌਕੀਦਾਰਾ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਓਏ ਸੋਹਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਰਸਰ ਥਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਓ, ਚਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌ ਜਾਓ। ਓਏ ਮੱਖੀ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਜਨਾਬ। ਓ ਜਨਾਬ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਤ ਲਾਈ ਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਤਨੋ ਦੇ ਘਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ? ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਛਾ, ਨੁਕਸਾਨ? ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੀ ਯਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸ਼ਾਤ ਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰਤਨੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਵਾਉਣਾ। ਚਲਾ ਚਲੀਏ, ਆਜਾ ਚੱਲੋ, ਏ ਆਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਤ ਲਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਸ਼ਿਵਬੜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਿੰਡ ਬੜਗਾਓਂ, 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 ਹਾਂ ਹੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਓਏ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਤ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੜਗਾਓਂ। ਆਜਾ 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 ਆਜਾ, ਜਾਗ ਪਈਏ, ਜਾਗ ਪਈਏ। ਓਏ ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹਾ? ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਕੌਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ? ਓਏ ਕੌਣ? ਓਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੇਖ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦਾ? ਤੂੰ ਕੌਣ? ਓਏ ਬਰਸਰ ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ। ਤੂੰ ਫੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣਦਾ? ਤੂੰ ਕੌਣ? ਇੱਕੋ ਲਪੇਟੇ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਅੰਦਰ ਮਾਰੀਦਾ।
ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਈਦਾ। ਓਏ ਮੱਖਣ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਖਾ। ਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਖਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਆਂ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਗਾਈਆਂ ਲਿਖੋ ਏ। ਢਾਈ। ਉਹ ਢਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਢਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਢਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਅਵਾਰਾ। ਅਵਾਰਾ ਦੂਜੀ ਹੋਏ? ਦੂਜੀ ਸੁਣੇ ਵਾਲੀ। ਸੁਣੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਬਾਹੋ ਭਰਾਊਂਗਾ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਆ। ਨਾ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਲਿਖੋ ਏ। ਪੁੰਡੀ ਸਿੰਘ। ਪੁੰਡੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਭਵਖੜ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਾ। ਆ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਢੇਰੂ ਮੱਲ। ਢੇਰੂ ਮੱਲ ਸਨ ਆਫ ਓਏ ਸੜਿਆਲ ਮੱਲ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਓਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਜੂਤ ਪਰੇਡ। ਜੂਤ ਪਰੇਡ ਸਨ ਆਫ ਓਏ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ। ਬੈਠਾ ਮੱਲ। ਬੈਠਾ ਮੱਲ ਲਿਖੋ। ਸਨ ਆਫ ਖੜਾ ਮੱਲ। ਖੜਾ ਲੰਮਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਖੜੇ ਨਾ ਸਾਰ ਲੋ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫੋੜਾ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ। ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਮੁਖੀਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ ਨੇ। ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਤਨੋ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ 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 ਆ ਜਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ। ਓ ਰਤਨੋ ਆਂਦੀ, ਓ ਦੇਖੋ ਓ ਰਤਨੋ ਆਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ? ਰਤਨੋ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖ ਰਤਨੋ, ਤੇਰੇ ਪਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਪਣੇ ਪਾਲੀ ਕੋ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਈ ਮਾਰਤ ਨੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾ ਲੱਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ
लोका ओ बैठा अपराधी चार कौआ की जिसने फसलां दी बर्बादी। उठ नदान बालक, तू की सोचा सी कि तू जिमीदारा दी फसलां दा नुकसान कर देवेगा और मैं तेनू कुछ नहीं आखांगी कि तेनू मैं अपने घर विच इस वास्ते रखिया सी कि तू जिमीदारा दी फसलां दा नुकसान करके मेरा पिंड विच वैर पवावे। की होया मां, मेरी सेवा विच कोई कमी रह गई है? सेवा कादी सेवा? सेवा तू नहीं, सेवा तो तेरी मैं कीती है। मैं क्यो नाल क्यो, दूध नाल दूध, लस्सी नाल लस्सी, नाले तेनू 12 साल रोटियां खवांदी रही। मां मैं ते कोई फसलां दा नुकसान नहीं कीता। अच्छा जे तू नुकसान नहीं कीता तो फिर नुकसान किने कीता है? ए जिमीदार साहब, ए थानेदार साहब, ए सारे इकट्ठे होके मेरे घर आए ने, ए सब झूठ बोलदे पए ने। मां इन्हां नूं आखो एक बार अपनियां उजड़ियां होईयां फसलां दोबारा देख के आओ। हैं असीं ढोडे पीतियो, हैं भंग पीतियो, असीं अपनी अखां नाल देख के आए। जिमीदार साहब ओए गल सुन, ओए इधर आ गल सुन, मेरी गल सुन। ओए जे बालक कहिंदा है के अपनियां उजड़ियां होईयां फसलां दोबारा देख के आओ, तां कमलिया फसलां देखण विच हर्ज की है? ठीक है ना, हर्ज तां कोई नहीं है थानेदार साहब। जे मेरा पाली कहिंदा है तां एक बार चल के देख लैणे आ। चलो आओ आओ, चलो आओ, आ जाओ। पिंड दे लोकी जद सी अपनियां फसलां वेखण आए, उजड़े होए खेत पना विच हो गए दून सवाए, बड़ी हैरानी होई सबनू देख के, कौतक न्यारा हद खुशी दी रही ना कोई ना झूठिया पिंड सारा। प्रेम से बोलो हे बाबे दी, सारे बोलो हे बाबे दी, उच्ची बोलो हे बाबे दी, मिलके बोलो हे बाबे दी, जो नी लगता है बाबे दी, मिलके बोलो हे बाबे दी, सारे बोलो हे बाबे दी, हे बाबे दी, हे बाबे दी, पौना हारी हे बाबे दी, दुद्दा धारी हे बाबे दी, चक्करा पौना हारी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। रत्नो बड़ी कर्मा वाली है, तेरे घर रब दा रूप आया ते 12 साल तेरा धर्म दा पुत्र बन के तेरी सेवा करदा रहा। सानू माफ करियो बाबा जी, चलो आओ चलिए। पुत्तर चल, पुत्तर आपा भी अपने घर चलिए, मैं तो एवं ना लोका दिया गल्लां विच आके तेनू बोल क बोल बोल बैठी। चल पुत्तर आपा भी घर नू चलिए। नहीं मां, साडे जान दा समा आ गया है। माए मेरी ए मंदा ना बोल मैनू, भला दस क्या सा कसूर कीता, मेरे मार के लस्सियां रोटियां दे, अड्डा दिल मां चकना चूर कीता, 12 घड़ियां दा माए घर जिच खोण ली, घर तेरे आया सी मैं गौआं विच रोण ली, करता हिसाब सारे जने मादा चुकता मैं, करता हिसाब सारे जने मादा चुकता मैं, हुक्म नी सानू इत्थे इक पल बैण दा, चुक 12 साल दिया लस्सियां ते रोटियां वां, तन मन साडा हुण तेरे घर रहण दा, चुक 12 साल दिया लस्सियां ते रोटियां वां, तन मन साडा हुण तेरे घर रहण दा। बारह साल दिया लस्सियां ते रोटियां, ऐडा वड्डा करिश्मा, ए ता कोई रब रूप मेरे घर आया सी जिसनु मैं पहचान ना सकी, पहचान ना सकी। बच्चा बालक, मेरा बच्चा। आ, 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 आ,
ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੁੜਿਆ ਉੱਡਿਆ ਮੋਰ ਤੇ ਹੋ ਅਸਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਵੋ ਕੋਈ ਉੱਡੜੀ ਅਜ ਮਾਰਤ ਨੋ ਉਹ ਬੁੱਢੜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਤ ਨੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਬੁੱਢੜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਤ ਨੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆ ਰੋ ਰੋ ਤੜਫ ਤੜਫ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਿੜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੁੱਢੜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਤ ਨੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਬੁੱਢੜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਤ ਨੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਤਰਲੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਹੱਥ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਹੋਈ ਉਹ ਬੁੱਢੜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਤ ਨੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਬੁੱਢੜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਤ ਨੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਵੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਵਕਤੇ ਲੰਘਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਦੇ ਦਰਦ ਬੁਰੇ ਬੱਚਿਆ ਚੱਲ ਸਕਣ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਬੁੱਢੜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਤ ਨੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਬੁੱਢੜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਤ ਨੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਸੰਘਣੀ ਸਾਂਝਿਆ ਰੁੱਖ ਨੀ ਭੁੱਲਣਾ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨੀ ਭੁੱਲਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਨੀ ਭੁੱਲਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖ ਨੀ ਭੁੱਲਣਾ ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਏ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰੋਆ ਰਿਕਾਰਡਸ ਲੈ